इसमें एक बात तो ये है कि पेशेंट को बेहोश किया जाता है या फिर सुन किया जाता है। प्रेफरेबली ये होता है कि हम जो नीचे वाला हिस्सा है, नाभ से नीचे वाला हिस्सा, उसको सुन कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा है मेडिसिन्स नहीं देनी पड़ती, और जो थोड़ी बहुत ही मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं वो भी बच्चे के को तक नहीं पहुँचती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला जबीन, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमें बात करनी है मैकडोनल्ड स्टिच के बारे में, कि मैकडोनल्ड स्टिच यानी कि बच्चेदानी के मुंह के आगे लगाया जाने वाला एक टांका, वो क्या है, वो क्यों ज़रूरी होता है, किन किन लोगों को उसकी ज़रूरत होती है, और इसके अलावा जो है वो कौन सी उसकी तरीकाकार है जिससे ये लगाया जाता है, और क्या इसका कोई नुकसान भी है, और ये कब खोला जाता है। मैकडोनल्ड स्टिच बेसिकली उन लोगों को लगाया जाता है जिनकी वक़्त से पहले डिलीवरी हो जाए और बहुत ही कम दर्दों के साथ उनका बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाता है। ये मरीज़ों की हिस्ट्री में टिपिकल ये होता है कि चौथे या पांचवें महीने के अंदर बिल्कुल ही ना होने की दर्दों के बराबर या हल्की हल्की दर्दों के साथ जो है वो बच्चा जो है वो डिलीवर हो जाता है। और इनके बहुत सारे जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो तकरीबन पाँचवें, छठे, सातवें महीने में एंड अप हो जाती हैं। और चूंकि इस टाइम तक बच्चे की जो एज ऑफ वायबिलिटी है, यानी वो उम्र जहाँ पे बच्चा नर्सरी में बचाया जा सके, वो बच्चा नहीं पहुँचा होता है, और वो बच्चा फौत हो जाता है पैदा होने के बाद, क्योंकि उसके लंग्स नहीं बने हुए होते। तो इन मरीज़ों के लिए जो है वो हम एक टांका होता है जिसको मैकडोनल्ड स्टिच होता है वो लगाया जाते हैं। सबसे पहले मैकडोनल्ड स्टिच दो वजूहात पे लगाया जाता है। एक होता है हिस्ट्री इंडिकेटेड, यानी कोई पेशेंट मेरे पास आता है और वो मुझे बताता है कि जी मेरे बच्चे जो हैं वो चौथे, पांचवें, छठे महीने में ज़ाया हो जाते हैं, या सातवें महीने में मुझे दर्दें लगती हैं और हल्की सी दर्दों के साथ मुझे बच्चा पैदा हो जाता है, तो मेरे जहन के अंदर सबसे पहली बात ही आती है। और ये उसके साथ जो है वो दो से ज़्यादा बार या हो चुका होता है। तो अगर तो मरीज़ के साथ ये सिर्फ़ एक दफ़ा हुआ हो तो उसको हम फ़ौरन से टांका लगाने का डिसीजन नहीं लेते। उनको हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूरत पड़ सकती है स्टिच की, और उनको हम जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती हैं उनको हम सर्वाइकल लेंथ यानी बच्चेदानी के मुंह की लंबाई जो कि नॉर्मली 45 मिलीमीटर तक होती है, उसको हर 3-4 हफ्तों के बाद मैयर करते रहते हैं। और जहाँ हमें लगे कि उसकी लंबाई एक ख़ास लेवल से कम हो गई है, यानी 30 सेंटीमीटर, 30 मिलीमीटर से कम हो गई है, तो हम फ़ौरन उसको स्टिच लगा देते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट की टिपिकल हिस्ट्री है जिसमें वो दो दो दफ़ा या तीन दफ़ा उसकी प्रेगनेंसी एंड हो जाती है एट 5th, 6th, 7th मंथ या 7वें महीने या 8वें महीने से पहले पहले, तो उनको फिर हम इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि बच्चेदानी का मुंह छोटा होगा तो हम टांका लगाएंगे। ऐसे मरीज़ों को हम ऑलमोस्ट 4th मंथ के एंड या मिड में जो है वो स्टिच लगा देते हैं, ताकि जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ता है तो उसके मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा होता जाता है। तो ऐसे मरीज़ों को हम ठीक 4th मंथ के मिड में जो है वो, या फिर स्टार्ट में जो है वो, ये जो है स्टिच लगा देते हैं, यानी 14 वीक्स से पहले पहले ऑलमोस्ट उनको ये स्टिच लग जाता है। अब ये है कि ये लगाते कैसे हैं। इसमें एक बात तो ये है कि पेशेंट को बेहोश किया जाता है या फिर सुन किया जाता है। प्रेफरेबली ये होता है कि हम जो नीचे वाला हिस्सा है, नाभ से नीचे वाला हिस्सा, उसको सुन कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा है मेडिसिन्स नहीं देनी पड़ती, और जो थोड़ी बहुत ही मेडिसिन्स देनी पड़ती हैं वो भी बच्चे के को तक नहीं पहुँचती हैं। और उसमें फिर ये होता है कि एक नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, यानी ऐसा सूचर जो जिस्म के साथ मिल के एब्जॉर्ब ना हो, सिल्क हो गया, उसके साथ हम क्या करते हैं कि बच्चेदानी के मुंह में ख़ास तरीके से वो एक स्टिच लगाते हैं, और उसके बाद उस स्टिच को एक ख़ास लेवल तक टाइट कर देते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ना शुरू होता है तो कुछ वेट सर यूट्रस के ऊपर आता है और कुछ वेट जो है वो बियर कर रहा होता है स्टिच, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता। ये टांका लगने के बाद ज़रूरी है, लाजम है कि आप कम से कम 3 महीने, 3 हफ्ते तक बेड रेस्ट करें, क्योंकि
क्योंकि इस टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा हिलजुल करेंगे तो अभी आपके जहाँ से स्टिचेस गुजारे हैं वो अभी कच्चे हैं और आपको ब्लीडिंग का खदशा हो सकता है। तो लिहाजा हम 3 हफ्ते तक मरीज़ को बेड रेस्ट का कहते हैं, और एक दफ़ा जब जो है वो स्टेबल हो जाता है उसके बाद हम अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी आप कर सकते हैं। इसके साथ हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टिरोन हम रिकमेंड करते हैं। प्रोजेस्टिरोन वो हार्मोन है जो यूट्रस को साइलेंट करके रखता है, यानी खामोश करके रखता है, उसको पेंस लगने नहीं देता, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा विजिलेंस रखी जाती है कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए किसी किस्म का। इस चीज़ को हम देखते रहते हैं, और जिन मरीज़ों को ये स्टिच लगता है उनका हम ये तकरीबन 36 वीक्स के ऊपर जब बच्चा मिच्योर हो जाता है ये स्टिच रिमूव कर देते हैं, और फिर अगले 3 से 4 हफ्तों तक हम उनको दर्दों का इंतज़ार करते हैं। अगर उनको कुदरती तौर पे दर्दें आ जाती हैं तो बच्चा नॉर्मली पैदा हो जाता है, और अगर हमारा उनका किसी वजह से रेज ब्लड प्रेशर या किसी वजह से सिजेरियन की रिकमेंडेशन होती है तो उस सूरज में अक्सर देखा गया है कि इस स्टिच को अगर आप नहीं भी ओपन करते तो भी नेक्स्ट प्रेगनेंसी इसके साथ हो सकती है, और क्योंकि ये अब जाहिर है बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है मरीज़ को नेक्स्ट जाने तक। तो ये थी कुछ आपके लिए मैकडोनल्ड स्टिच के बारे में मालूमात। ये एक बिल्कुल नई चीज़ है, बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होता है। अब इसमें ये चीज़ें 3 पॉइंट्स में बताना चाहूँगी कि वो कौन से मरीज़ हैं जिनको मैकडोनल्ड स्टिच नहीं लग सकता। नंबर एक, जिनकी पानी की थैली लीक हो गई है। अगर आपकी पानी की थैली लीक हो गई है और पानी निकल गया है सारा, तो ऐसे मरीज़ को टांका नहीं लग सकता। नंबर दो, वो मरीज़ जिसका आवल नीचे है यानी प्लेसेंटा नीचे है, उनको भी अगर हम स्टिच लगाएंगे तो बहुत हैवी ब्लीडिंग का खदशा होता है, तो हम वेट करते हैं कि प्लेसेंटा ऊपर चला जाए, या फिर अगर लगाना भी हो तो हम बहुत ही एक्सपर्टीज़ के साथ उसको डिलीवर करते हैं ताकि ब्लीडिंग का जो रिस्क है वो कम से कम हो। पहले कोशिश करते हैं कि ना ही लगाएं। अच्छा, थर्ड वो वाले पेशेंट हैं जिनको ये हम स्टिच नहीं लगाते, जिनकी यूट्रस का मुंह ओपन हो गया है। एक दफ़ा अगर आपका मुंह ओपन हो गया है और मेम्ब्रेन उसमें से बल्ज करने लग गई हैं तो फिर इस टांके के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मेम्ब्रेन्स बाहर आ गई हैं। जैसे ही आप स्टिच लगाएंगे तो वो मेम्ब्रेन्स जो है वो रप्चर हो जाएंगी, और फिर जो है वो बच्चे के जो गिर्द पानी की थैली है, एक दफ़ा जब वो लीक हो जाए तो उसके बाद ज़ाहिर है बच्चे का सर्वाइवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट में पड़ जाता है। तो इस सूरत में भी हम अवॉइड करते हैं कि हम ये स्टिच ना लगाएं। मैकडोनल्ड स्टिच के बारे में या आमतौर पर स्टिच को कहते हैं कि 4th, 5th, 6th, या 7th महीने में वक़्त से पहले दर्दें लगने को बचाने वाले स्टिच के बारे में अगर कोई मालूमात फर्दर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिए, जो है वो हम आपकी क्वेरीज़ को आंसर करते हैं। बल्कि अब मैं आपकी क्वेरीज़ को देखते हुए एक वीडियो ही उसके ऊपर बना देती हूँ ताकि आप तक इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज मिलता रहे। आपको मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।